क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन तबे क्यों हार्मोन को कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन सी एड्रेनालिन तबे एड्रेनालिन हार्मोन को कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन नेक्स्ट क्वेश्चन मेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड डैश तबे मेल सेक्स हार्मोन को कौन कहा जाता है तो यार करेक्ट आंसर टी कौन हम तो जदि जानते तेज निश्चय कमेंट कर जनइबे तो यार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन तबे मेल सेक्स हार्मोन होची टेस्टोस्टेरोन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन तबे फीमेल सेक्स हार्मोन कोटा तो यार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन ए इस्ट्रोजेन तबे फीमेल सेक्स हार्मोन होची इस्ट्रोजेन एवं आउ गोटे होची प्रोजेस्टेरोन तो यह हूँ फीमेल सेक्स हार्मोन आउ मेल सेक्स हार्मोन कौन तो ताकि टेस्टोस्टेरोन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ब्लड प्रेशर तबे कोटा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिथाय तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन ए एड्रिनल तबे एड्रिनल जहाँकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिथाय नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज स्किन कलर डिपेंड्स ऑन तबे स्किन कलर का ऊपर डिपेंड करिथाय तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन ए मेलानिन तबे स्किन कलर का ऊपर डिपेंड करिथाय मेलानिन ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी तबे ह्यूमन बॉडी रो हार्डेस्ट पार्ट कोटा तो यह हूँ एनामेल जहाँकि दांतरे रही था तो दांतर एनामेल होची ह्यूमन बॉडी रो हार्डेस्ट पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैव द कैपेसिटी ऑफ रीजेनरेशन तबे ह्यूमन रो क्यों ऑर्गन जहाँकि रीजेनरेशन रो कैपेसिटी रही तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन डी लिवर तबे लिवर रो रीजेनरेशन कैपेसिटी रही नेक्स्ट क्वेश्चन वेट ऑफ एन एनिमल बॉडी इज मोस्टली द वेट ऑफ डैश तबे ह्यूमन बॉडी रो वेट मोस्टली कहार वेट अटे तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन डी तो सबुठार अधिक वाटर रो वेट रही थे नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज डैश तबे मनुष्यर साधारण तापमात्रा केते तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन बी 36.9 डिग्री सेल्सियस बा 37 डिग्री सेल्सियस मध्ये होइते तो ह्यूमन बॉडी रो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर होची 36.9 डिग्री किंबा 37 डिग्री मध्ये होइते नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑर्गन इज नोन एज द ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी तबे ह्यूमन बॉडी रो क्यों ऑर्गन को कहा जाता है ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी तो यार करेक्ट आंसर टी कौन हम तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन सी स्प्लीन तबे स्प्लीन को कहा जाता है ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज बिल्ट बाय डैश तबे कोणार्क रे जो सूर्य मंदिर रही तो ताको किए निर्माण करिथिले तो यार करेक्ट आंसर टी होजिव ऑप्शन डी नरसिंह देव वन बा प्रथम नरसिंह देव तबे प्रथम नरसिंह देव जेकि कोणार्कर सूर्य मंदिर निर्माण करिथिले तबे नरसिंह देव को आउ कौन कहा जाए था तो कहा जाए था लांगुला नरसिंह देव तो लांगुला नरसिंह देव कहा जाए था जेकि पुरी सरी कोणार्कर सूर्य मंदिर निर्माण करिथिले आउ से क्यों डायनेस्टी रे थिले तो से थिले ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी रे थिले आउ ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी रो फाउंडर होछंती चोड़गंगा देव जेकि पुरीर जगन्नाथ मंदिर निर्माण करिथिले तो यह मध्य निहाती मन रखिबे नेक्स्ट क्वेश्चन
ह्विच अफ द फलोईंग हिल्स इज लोकेटेड इन द स्टेट अफ ओडिशा तेज क्यों हिल्स ओडिशा रे रही तो यार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन ए गर्जात हिल्स तेज गर्जात हिल्स ओडिशा रे रही तो सहीपर देखु ऑप्शन बी रे हजारीबाग हिल्स तो यह क्यों रही तो यह रही झारखंड रे तो हजारीबाग जेल विषय आपण मैंने शुणिथे तो ये हजारीबाग हिल्स टी रही झारखंड रे नेक्स्ट देखु अमरकंटक हिल्स तो यह रही मध्य प्रदेश रे ऑप्शन डी रे ओमकारेश्वर हिल्स तो यह मध्य रही मध्य प्रदेश रे तो अमरकंटक हिल्स एवं ओमकारेश्वर हिल्स रही मध्य प्रदेश रे हजारीबाग हिल्स रही झारखंड रे गर्जात हिल्स रही ओडिशा रे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सकवेशन साइट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डायमंड ट्रायंगल ऑफ ओडिशन आर्कियोलॉजी तेबे एमानंक मध्यरु क्यों साइटटी डायमंड ट्रायंगल रो पार्ट नुहे तो देखंतु क्यों क्यों टाकु डायमंड ट्रायंगल कह जायथे तो ताहा होची उदयगिरी रत्नगिरी आउ ललितगिरी तो ये तीनो टिकु डायमंड ट्रायंगल बोली कहा जाए तो एमानंक मध्यरु केउटा ए डायमंड ट्रायंगल रो पार्ट नुहे तो ताहा होची खंडगिरी तो ऑप्शन हे होई जीवो एटारे करेक्ट आंसर आ डायमंड ट्रायंगल रो पार्ट को कोटा तो ताहा होची उदयगिरी रत्नगिरी एवं ललितगिरी आ एहा होची गोटे गोटे बुद्धिस्ट साइट नेक्स्ट क्वेश्चन द फेमस बारबाटी फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1229 AD बाय द गंगा रूलर डैश तेबे फेमस बारबाटी दुर्ग केबे कंस्ट्रक्ट होइतिला तो यह होइतिला 1229 मसीहा रे तेबे यहाँ को क्यों गंगा रूलर करिथिले तो यार करेक्ट आंसर टी होइजबो अनंग भीमदेव थर्ड तो तृतीय अनंग भीमदेव कटक रो बारबाटी फोर्ट निर्माण करिथिले नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज द प्रिंसली स्टेट ऑफ संबलपुर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश थ्रो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स तेबे संबलपुर केबे डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स द्वारा एनेक्स्ड होइथिला तो यार करेक्ट आंसर टी होइजबो ऑप्शन ए 1849 रे तेबे 1849 मसीह रे संबलपुर ब्रिटिश मानंक द्वारा एनेक्स्ड होइथिला डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स माध्यम रे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड उत्कलमणि गोपबंधु दास एस्टाब्लीश सत्यवादी वन विद्यालय और साक्षी गोपाल पुरी तो साक्षी गोपाल पुरी रे गोपबंधु दास सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले तेबे से केबे यहाँ को प्रतिष्ठा करथिले तो से यहाँ को प्रतिष्ठा करथिले 1909 मसीह रे तो ऑप्शन डी हो जइबो एठारे करेक्ट आंसर तो 1909 मसीह रे किए सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करते तो से होती गोपबंधु दास क्यों स्थान रे प्रतिष्ठा करते साक्षी गोपाल ठारे रही पुरी रे तो पुरी रो साक्षी गोपाल ठारे गोपबंधु दास सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करते नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी तो उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी रो प्रथम प्रेसिडेंट किए थे तो यार फर्स्ट प्रेसिडेंट होती गोपबंधु दास तो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर तो उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी रो फर्स्ट प्रेसिडेंट होती गोपबंधु दास नेक्स्ट क्वेश्चन द उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी वाज फॉर्म इन द ईयर तेबे उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी केबे फॉर्म होइथिला तो यह होइथिला 1921 मसीह रे तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन बी तो 1921 मसीह रे उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी गठित होइथिला आ यार प्रथम प्रेसिडेंट थिले गोपबंधु दास नेक्स्ट क्वेश्चन द उत्कल प्रदेश कांग्रेस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट कटक इन 1920
1924 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डेस। तेबे 1924 मसीह उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी बैठक बसी क्यों स्थान कटक रे तो यह समय यार प्रेसिडेंट किए थे तो यार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन डी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय 1924 उत्कल प्रदेश कांग्रेस कॉन्फ्रेंस रो प्रेसिडेंट होइथिले आ यह क्यों ठारे होइथिला तो यह होइथिला कटक ठारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी। तो उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी रो फर्स्ट सेक्रेटरी किए थिले तो यार फर्स्ट प्रेसिडेंट थिले गोपबंधु दास। तो यार फर्स्ट सेक्रेटरी किए थिले तो यार फर्स्ट सेक्रेटरी थिले भागीरथी महापात्र। तो ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर। तो उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी रो फर्स्ट सेक्रेटरी थिले भागीरथी महापात्र आउ यार फर्स्ट प्रेसिडेंट थिले गोपबंधु दास आउ यह केबे फॉर्म होइथिला तो यह फॉर्म होइथिला 1921 मसीह। तो ये पॉइंट गुड़िक निहाती मने रखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन सहस्रांशु रो प्रतिशब्द कौन। तो सहस्रांशु कहा को कह जाए था सूर्य को। तो सूर्य को सहस्रांशु कह जाए था तो यठार सहस्रांशु रो प्रतिशब्द हो सूर्य। तो ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। तो यह सहित सूर्य को आप कौन कह जाए था तो दिवाकर भास्कर दिनमणि सबिता। तो सूर्य को सबिता मध्य कह जाए था तापर रवि तपन तो यह सब हूँ सूर्य प्रतिशब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन अग्निर प्रतिशब्द कौन। तो अग्निर प्रतिशब्द कौन तो यठार करेक्ट आंसर टी हूँ अनल। तो अनल हूँ अग्निर प्रतिशब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंहर प्रतिशब्द कौन। तो सिंहर प्रतिशब्द हूँ केसरी। तो सिंह को केसरी कह जाए तापर देख तो ऑप्शन बी रे कामना तापर आशा आउ अभिलाष। तो ये तीनोटी हूँ आशा व आकांक्षार प्रतिशब्द। तो आशार प्रतिशब्द हूँ कामना अभिलाष तापर आकांक्षा तो यह सब हूँ आशार प्रतिशब्द। तेणु एठार सिंहर प्रतिशब्द हो केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन सापर प्रतिशब्द कौन। तो सापर प्रतिशब्द हूँ विषधर। तो साप को विषधर कह जाए थे तेणु एठार सापर प्रतिशब्द हो विषधर। तो ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समुद्रर प्रतिशब्द कौन। तो समुद्रर प्रतिशब्द हूँ सागर सिंधु। तो यह सब हूँ समुद्रर प्रतिशब्द। तो यठार सिंधु रही तो सिंधु होठार समुद्रर प्रतिशब्द। तापर केसरी तो केसरी हूँ सिंहर प्रतिशब्द। तापर भुजग तो यह हूँ सापर प्रतिशब्द और कामना तो यहाँ यहाँ इच्छा बा आशार प्रतिशब्द हूँ कामना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्र शब्दर विपरीत शब्द कौन। तो स्वतंत्रर विपरीत कौन हम तो स्वतंत्रर विपरीत हो परतंत्र। तो स्वतंत्रर विपरीत हूँ परतंत्र। तो परतंत्र हो परतंत्र होउछि एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बद्ध शब्दर विपरीत शब्द कौन। तो बद्धर विपरीत कौन हम तो बद्धर विपरीत होउछि मुक्त। तो बद्धर विपरीत होउछि मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन संकीर्ण शब्दर विपरीत शब्द कौन। तो संकीर्णर विपरीत कौन हम संकीर्णर विपरीत हूँ प्रशस्त। तेबे संकीर्णर विपरीत हूँ प्रशस्त प्रशस्त हेबो नहीं
प्रशस्त होठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मारणर विपरीत शब्द लेख तो मारणर विपरीत तारण मारणर विपरीत तारण। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्युष शब्दर विपरीत शब्द कौन तो प्रत्युष माने सकाल तो प्रत्युषर विपरीत प्रदोष तो प्रदोष माने संध्या तो प्रत्युषर विपरीत प्रदोष। नेक्स्ट क्वेश्चन खाइबा पतरे धूलि देवा यही लोकवाणी अर्थ कौन तो खाइबा पतर रे धूलि देवा यार अर्थ होउछि जीविकार बाधा देवा तो खाइबा पतर रे धूलि देवा यही लोकवाणी अर्थ होउछि जीविकार बाधा देवा। नेक्स्ट क्वेश्चन ढोके पी दंडे जी यही लोकवाणी कहा को करी प्रचलित तो ढोके पी दंडे जी यही लोकवाणी अर्थ होउछि कष्टे मष्टे बंची रहिबा तेबे ढोके पी दंडे जी यही लोकवाणी अर्थ होउछि कष्टे मष्टे बंची रहिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिज्ञतारु शिक्षा लाभ अर्थरे केउ लोकवाणी प्रचलित तो अभिज्ञतारु शिक्षा लाभ यार लोकवाणीटी कौन तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन डी ए बर्षर मलु आर वर्ष को वैध तो ए बर्षर मलु आर वर्ष को वैध यही लोकवाणी अर्थ होउछि अभिज्ञतारु शिक्षा लाभ करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूर्खक आगरे तत्व कथा कहिबा यही अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकवाणी टी केउटी तो मूर्खक आगरे तत्व कथा प्रकाश करिबा यही लोकवाणी अर्थ होउछि अंध देश को गली दर्पण बिकी तो यार अर्थ होउछि अंध देश को गली दर्पण बिकी तो यही लोकवाणी अर्थ होउछि मूर्खक आगरे तत्व कथा कहिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन अति गर्वभाव प्रदर्शन करिबा तो यह ब हेबो तो अति गर्वभाव प्रदर्शन करिबा यही अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकवाणी टी केउटी तो एठारे करेक्ट आंसर टी होउछि धरा को सरा मणिबा तो धरा को सरा मणिबा यही लोकवाणी अर्थ होउछि अति गर्वभाव प्रदर्शन करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय विडो रीमैरिज एक्ट वाज इंट्रोड्यूस तेबे क्यों वाइसराय समय रे विडो रीमैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस होइथिला तो यार करेक्ट आंसर टी होउछि ऑप्शन टू लॉर्ड कैनिंग तो लॉर्ड कैनिंग समय रे विडो रीमैरिज एक्ट टी इंट्रोड्यूस होइथिला आउ मन रखंतु लॉर्ड कैनिंग होउछंती लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एवं फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया एवं से डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स जहाँकि लॉर्ड डेलहाउसी इंट्रोड्यूस करते तो यह से विथड्रॉ करते बंद करते तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स को विथड्रॉ किए करते तो लॉर्ड कैनिंग आउ से विडो रीमैरिज एक्ट पास करते तो से केबे करते तो 1856 रे एवं हाईकोर्ट एक्ट 1861 मध्य समय रे पास होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तबे इंडिया रा लास्ट गवर्नर जनरल किए थिले तो से होउछंती लॉर्ड कैनिंग तो लॉर्ड कैनिंग होउछंती लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एवं से होउछंती फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया तो तंकर टाइम पीरियड केते थिला तो से 1856 मसीहारु 1862 पर्यंत गवर्नर जनरल होइथिले तो प्रथमे से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होइथिले एवं परे से फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया होइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज गवर्नर जनरल ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 तो 1857 मसीहा विद्रोह समय रे इंडिया रा गवर्नर जनरल किए थिले
तो इस समय इंडिया रा गवर्नर जनरल थिले लॉर्ड कैनिंग जे कि 1856 मसीह रे 1862 पर्यंत इंडिया रे शासन करथिले। तो 1857 रिवोल्ट समय रे इंडिया रा गवर्नर जनरल थिले लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट्स। तबे डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट्स माने कौन? राजस्वत्व लोप नीति। तो यह क्यों वायसराय इंट्रोड्यूस करथिले? तो से होचंती लॉर्ड डेलहाउसी। तबे लॉर्ड डेलहाउसी डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट्स इंट्रोड्यूस करथिले एवं से आउ कौन इंट्रोड्यूस करथिले? तो इंडियन रेलवे। एवं लॉर्ड डेलहाउसी कर टाइम पीरियड हे 1848 रु 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपाही म्यूटिनी। तबे सिपाही विद्रोह समय रे इंडिया रा गवर्नर जनरल किए थिले? तो से होचंती लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन 1 होइ जइबो ठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। तबे इंडिया रा फर्स्ट वायसराय किए थिले? तो यह मध्य आम टिके आगर डिस्कस करथिले। तो इंडिया रा फर्स्ट वायसराय होउछंती लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन आईएनसी एस्टैब्लिश। तो आईएनसी माने कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जिते बेले इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थिला तो सही समय रे इंडिया रो वायसराय किए थिले? तो इस समय रे इंडिया रो वायसराय थिले लॉर्ड डफरिन। तो ऑप्शन 1 होई जी बठरे करेक्ट आंसर। तो आईएनसी एस्टैब्लिश समय रे इंडिया रो वायसराय थिले लॉर्ड डफरिन। तेबे आईएनसी केबे एस्टैब्लिश हुई थिला? तो यह 1885 रे एस्टैब्लिश हुई थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीशन ऑफ बंगाल टू प्लेस इन द ईयर डैश। तबे पार्टीशन ऑफ बंगाल बा बंग विभाजन केबे होइतिला? तो यह होइतिला 1905 मसीह रे। तो ऑप्शन 3 होइ जइबो एठारे करेक्ट आंसर। तो 1905 मसीह रे पार्टीशन ऑफ बंगाल होइतिला एवं एही समय रे इंडिया रा वायसराय के थिले? तो एही समय रे इंडिया रा वायसराय थिले लॉर्ड कर्जन। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल समय रे इंडिया रे गवर्नर थिले लॉर्ड कर्जन। तो से 1849 मसीह रे 1905 मसीह पर्यंत इंडिया रा वायसराय होइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 20 जुलाई 1905 डैश अनाउंस द डिवीजन ऑफ बंगाल इनटू टू पार्ट्स, ईस्ट बंगाल एंड आसाम वन पार्ट एंड द रेस्ट ऑफ बंगाल सेकंड पार्ट। तबे 20 जुलाई 1905 मसीह रे किए अनाउंस करथिले बंगाल दुई भाग रे विभक्त होइछि? तो गोटे भाग होउछि ईस्ट बंगाल एवं आसाम एवं अन्य भाग होउछि बंगाल। तो यहाँ करेक्ट आंसर टी होउछि लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ लॉर्ड कर्जन डिक्लेयर करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज विथड्रॉन इन डैश। तबे बंग विभाजन को केबे प्रत्याहार करा जायथिला बा विथड्रॉ करा जायथिला? तो यहाँ करेक्ट आंसर टी होची 1911। तो 1911 मसीह रे पार्टीशन ऑफ बंगाल को विथड्रॉ करा जायथिला। आउ एही समय रे इंडिया रो वायसराय के थिले? तो एही समय रे इंडिया रो वायसराय थिले लॉर्ड हार्डिंग। तो इस समय रे इंडिया रो वायसराय थिले लॉर्ड हार्डिंग एवं लॉर्ड हार्डिंग को समय रे 1911 मसीह रे इंडिया रो कैपिटल कलकत्ता रो दिल्ली को शिफ्ट होइथिला।